सुपारी खाने का सबसे बड़ा नुकसान, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति अन्य महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कई लोग हमारे यहाँ सुपारी छोड़ने के लिए आते हैं। सुपारी को हिंदी में सुपारी बोलते हैं, मराठी में सुपारी बोलते हैं, बिटिल नट भी बोलते हैं उसको, बिटिल नट। तो एक सुपारी ऐसी सफ़ेद रंग की भी रहती है, लाल रंग की सुपारी रहती है, और उसका अक्सर उपयोग पान में किया जाता है। उसको कतर के चुरा करके उसका उपयोग पान में करते हैं लोग, वैसे सुपारी खाते रहते हैं टुकड़े करके, और कतरी हुई सुपारी पान में वापरते हैं या कूट के पान में वापरी जाती है, वो टेस्टी रहती है। तंबाकू के साथ में सुपारी खाई जाती है। सुपारी में मसाले मिलाया जाता है, जैसे लौंग, इलायची वगैरह, तो उसका भी एक इस्तेमाल किया जाता है पाउडर जैसा बना के। तो सुपारी की आदत, लत काफ़ी लोगों को है, तंबाकू के साथ में ज़्यादातर लोगों को है। इसमें नुकसान क्या है? सुपारी के फायदे बहुत, ऐसे लोग बोलते हैं, कोई भी फायदा ऐसा पक्का नहीं है। जैसा लोग बोलते हैं कि मासिक धर्म यदि रेगुलर है तो फायदा होता है, गंजा है कोई तो उसके लिए फायदा होता है, ऐसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं। उसके मतलब स्टडीज तो बहुत है, उसको ऐसा कोई परफेक्ट ये नहीं है कि भाई नहीं नहीं इसका फायदा होता ही है, नुकसान मगर जरूर होता है। जो लोग सुपारी खाते हैं उनमें सब म्यूकस फाइब्रोसिस नाम की एक प्री कैंसरस बीमारी दिखाई देती है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस मतलब ओरल कैविटी की, मुंह की बीमारी। ये जो सब म्यूकस मतलब म्यूकस जो है अंदर का लेयर जो है, उसके अंदर लेयर में सब म्यूकस अंदर मुंह में फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब कड़कपन आ जाता है। फाइब्रस मतलब कड़क टिश्यू तैयार होता है, और जब ये मुंह के अंदर कड़क टिश्यू तैयार हो जाएगा तो मुंह खोलना कठिन हो जाता है, उसको बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। आ करना नहीं आता, मतलब इतना हो जाता है कि उनको चमचे से खाना पड़ता है, चम्मच से लेके खाना पड़ता है, क्योंकि आ नहीं कर सकते हैं। अब ये इसमें लाल हो जाता है कुछ लोगों का, फिर बाद में सफ़ेद हो जाता है, और ये एक कैंसर की पहली स्टेज है। ऐसे मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं कि ये होने के बावजूद भी सुपारी छोड़ते नहीं हो, जो भी हो जाए सुपारी नहीं छोड़ेंगे। तो जो लोगों को लत है सुपारी की, उन्हें तुरंत सुपारी बंद करना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा सब म्यूकस फाइब्रोसिस दिखाई दिया है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट क्या है? एक तो प्रॉब्लम उसमें ऐसा है कि तुम बहुत तीखा नहीं खा सकते, तीखा खाए कि मतलब सहन ही होता नहीं तीखा खाना, और आ नहीं कर सकते, चम्मच से खाना पड़ता है, और ये सब दर्द करता है। फिर इसका उपयोग यह है कि उसको एक्सरसाइज करना, एकदम कम मात्रा में होंगी बीमारी तो उसका एक्सरसाइज करके उसको ठीक किया जा सकता है। आ की एक्सरसाइज करना और सुपारी पहले बंद कर देना, और बाद में कुछ बहुत ही ज़्यादा है तो स्टीरॉयड के इंजेक्शन लिए जाते हैं, और कुछ अलग अलग दवाइयाँ एलोपैथी में हैं जिसका इस्तेमाल ऐसा 100% क्योर नहीं मगर फ़ायदा होता है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस ये प्री कैंसरस कंडीशन है, मतलब कैंसर की पहली की स्टेज है। सुपारी को तुरंत बंद करना चाहिए, और जो लोग खाते हैं जिनको कुछ हुआ नहीं है उन्होंने भी सुपारी तुरंत बंद करना चाहिए, ताकि आप कैंसर की बीमारी से बच सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।